नमस्कार, मैं रेशम अंबादास भी एसआरएस न्यूज में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जेडीयू से निकाले गए प्रशांत किशोर ने बिहार की राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मेरे नीतीश कुमार से अच्छे संबंध है, मैं उनका आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन उनसे मेरा मतभेद गांधी की विचारधारा को लेकर था। गांधी और गोडसे को साथ साथ लेकर नहीं चला जा सकता था। और क्या कहा प्रशांत किशोर ने, आइए देखते हैं। सीएम नीतीश कुमार से मेरे मतभेद के दो कारण हैं। लोकसभा चुनाव से ही मेरे उनसे मतभेद थे। पहला मतभेद विचारधारा को लेकर था और दूसरा मतभेद बीजेपी से गठबंधन को लेकर था। लेकिन नीतीश कुमार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का विरोध करने को लेकर प्रशांत किशोर को हाल ही में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। नीतीश जी से जो मेरा संबंध अभी तक रहा है वो विशुद्ध राजनीतिक संबंध नहीं रहा है। 2014 नवंबर में दिल्ली में पहली बार मैं और नीतीश जी मिले थे। उसके बाद से नीतीश जी ने जिस तरह से मुझे अपने साथ रखा है वो किसी बेटे के जैसे ही रखा है और उतने स्नेह से मुझे रखा है। गांधी जी के बताए हुए बातों को लेकर शिलापट लगवा रहे हैं, यहाँ के बच्चों को गांधी के विचारों से अवगत करा रहे हैं। उस समय में गोडसे के साथ खड़े हुए लोग या गोडसे की विचारधारा को सहमति देने वाले लोग उनके साथ भी कैसे खड़े हो सकते हैं? दोनों बात तो नहीं हो सकती है। इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर आप भाजपा के साथ रहना चाहते हैं हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों बात नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर मेरे और नीतीश जी में लगातार विचार चलता रहा है। उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। तो पहला जो हम लोगों के बीच के मतभेद का विषय रहा है वो ये रहा है कि गांधी और गोडसे दोनों साथ में हम लोग नहीं चल सकते हैं। पार्टी के लीडर के तौर पर, पार्टी के तौर पर आपको ये बताना पड़ेगा कि हम लोग किस साइड खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज़, बिहार।